अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस बेहद ही खूबसूरत ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत है खास, क्योंकि ऐसे की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब किसी के लिए 8 नंबर की बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर वाले क्वेश्चन की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं, एक ऐसी अनोखी ट्रिक लेके आया हूं जो परीक्षा में आपके 8 नंबर को फिक्स कर देगा, जिसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर क्वेश्चन बैंक्स देखे हों या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे हों, तो आप ये पाएंगे कि करप्शन, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पॉवर्टी, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन या योर फेवरेट लीडर, इनमें से कोई एक टॉपिक हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आप सब किसी के लिए इन सभी ये जो 10 ऐसे हैं, इन सब के लिए एक रामबाण तैयार किया है, यानी कि इन 10 में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो आप इन सब के लिए मात्र एक ही ऐसे याद करेंगे। जी हां, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट दे रहा हूं कि इस फॉर्मेट को याद कर लेने के बाद आप इन 10 ऐसे को याद रख सकेंगे और अपनी परीक्षा में 8 नंबर हंसते हंसते चुटकी बजाते हुए हासिल कर पाएंगे। अब आइए मैं आपको इस फॉर्मेट के बारे में बताऊं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस फॉर्मेट को देख रहे हैं, जहां जहां इसमें टॉपिक नेम दिया हुआ है, वहां वहां आपको अपने ऐसे में पूछे जाने वाले करप्शन, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पॉवर्टी, इनमें से कोई भी एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है, उसे आप इन टॉपिक नेम की जगह पर लिख दें, तो ये जो फॉर्मेट बन के तैयार होगा वो उसी खास ऐसे के लिए बन जाएगा। यानी अगर आपके एग्जाम में पॉवर्टी पर ऐसे लिखने के लिए देता है, गरीबी पर ऐसे लिखने के लिए देता है, तो जहां जहां टॉपिक नेम है आप वहां पर पॉवर्टी लिख दें, और जहां लीडर्स नेम है आप वहां किसी पॉलिटिकल लीडर का, जैसे कि मोदी जी या नीतीश कुमार, किसी भी नेता का नाम यहां लिख दें। ये ऐसे पॉवर्टी के लिए हो जाएगी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन करप्शन पे पूछा जाए, करप्शन पर ऐसे लिखने के लिए दे, तो आप टॉपिक नेम की जगह पर करप्शन लिख दें, तो ये जो ऐसे होगा वह करप्शन के लिए हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो आपके इन 10 ऐसे पर बिल्कुल सटीक उतरता है, और इन 10 में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए, तो आप इस एक फॉर्मेट की सहायता से ये 10 ऐसे पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने 8 नंबर को हासिल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को अच्छे से समझाता हूं। जैसे ये ऐसे मैंने करप्शन पे तैयार किया है, सेम फॉर्मेट है। अगर टेररिज्म पे देता है, तो जहां जहां इसमें आपको करप्शन दिखाई दे रहा है, वहां वहां बस आप टेररिज्म लिख दो, ये ऐसे टेररिज्म के लिए हो जाएगा, आतंकवाद के लिए हो जाएगा। अगर आपका ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट पे आता है, तो जहां जहां मैंने करप्शन लिखा है, वहां वहां आप अनएम्प्लॉयमेंट लिख दीजिए, ये ऐसे बेरोजगारी के लिए हो जाएगा। है ना शानदार ट्रिक? तो आइए इसे समझते हैं। करप्शन इज नॉट एनी न्यू इशू, यानी ये जो भ्रष्टाचार है ये कोई नई समस्या नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू नाउ
लंबे समय से लेकर अब तक इट हैज कॉट आवर सोसाइटी, इसने हमारे समाज को पकड़ा हुआ है, लाइक सम मॉन्स्टर, कुछ पिसाचों के जैसे, कुछ दैत्य के जैसे। एंड आवर सोसाइटी, और हमारा समाज फील्स, महसूस कर रहा है होपलेस, निराश एंड हेल्पलेस और असहाय। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दिस ईयर, इस साल नरेंद्र मोदी हैज मेड, नरेंद्र मोदी ने बनाया है दिस इशू, यानी इस समस्या को अ ग्रेट मैटर ऑफ डिस्कशन, विचार विमर्श का एक बहुत बड़ा मुद्दा। ही हैज कंपेल्ड, उन्होंने मजबूर किया है अस, हमें, थिंक एंड टू गिव ब्राइट ट्रीटमेंट टू दिस डिजीज, कि हम सोचें और एक अच्छा खासा इलाज करें इस बीमारी का, यानी कि इस बीमारी का इलाज ढूंढे हम, इस समस्या का समाधान करें हम। इसके लिए नरेंद्र मोदी साहब ने हमें मजबूर किया है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अब एक प्रश्न है, इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन, क्या कोई ठोस उपाय है ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। हाउ कैन वी विन, कैसे हम जीत सकते हैं दिस मोदीज फाइट, मोदी की इस लड़ाई को, टू फिनिश करप्शन, भ्रष्टाचार को खत्म करने में। इट इज टाइम टू थिंक, ये समय है सोचने का एंड टू डू, और कुछ करने का। वी कांट वेट एनी मोर, अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन, लेकिन अगर आप मेरी पूछें तो मेरे विचार में करप्शन इज लाइक डायबिटीज, करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, वो मधुमेह रोग की तरह से है। When the patient take medicine, जब रोगी दवा खाता है, and have proper care of himself, और अपना अच्छा खासा ध्यान रखता है, it is controlled, तब तक तो ये नियंत्रित रहता है, control में रहता है, and we don't do so, और अगर हम ऐसा नहीं करते, it kills, तो ये मार देता है। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार है। अगर हम इसके रोकथाम का उपाय करेंगे, तब तो ये नियंत्रण में रहेगा, और अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह समाज को नष्ट कर देगा, हमारी सोसाइटी को खत्म कर देगा। माय दिस आइडिया, मेरा ये जो विचार है, सजेस्ट अस, वो हमें सलाह देता है कि टू थिंक, हम सोचें ऑन द एवरी एस्पेक्ट, हर एक पहलू पर ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के। वी शुड कंट्रोल आवर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, हमें अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए। वी शुड क्रिएट मोर एंड मोर जॉब्स, हमें अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करनी चाहिए, सो देयर मे नॉट बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि ये सारा जो चीज है वो बेरोजगारी की बदौलत ही है। वी नीड टू फिनिश इलिटरेसी, हमें अशिक्षा को खत्म करना होगा, एंड पॉवर्टी, और गरीबी दूर करनी होगी। बिसाइड दैट, इसके अलावा, सी ऑल, वी नीड वेरी स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, हमें बहुत ही कठोर नियम कानून की जरूरत होगी, टू सेव आवर डेमोक्रेसी, जिससे हम अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। डेफिनेटली वी विल सेव आवर सेल्फ, ऐसा करके निश्चित रूप से हम अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित कर पाएंगे फ्रॉम दिस इशू, इस समस्या से, बाय डूइंग सो, ऐसा करते हुए निश्चित रूप से हम अपने समाज को बर्बाद होने से, क्षतिग्रस्त होने से बचा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये फॉर्मेट याद कर लिया तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम का 8 नंबर आपका हो जाएगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ मेरी जो किताब आई है इंस्पिरेशन 2.0, ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स और बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए जितने भी चीजें होती हैं, चाहे वो ग्रामर हो, आपकी रेनबो बुक की समरी हो, उसके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस सेट हो, मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, वो सारी चीजें अकेली इस किताब में आपको
पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि इंस्पिरेशन 2.0 ये 20 मार्च 2022 को, इसी साल 20 मार्च को पब्लिश की गई थी और आज 8 अप्रैल हो चुके हैं और मात्र इतने ही दिनों में इस किताब की 19,000 कॉपियां बिक चुकी हैं। बहुत सारे YouTube के माध्यम से टीचर्स लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस किताब को देखा, इसके महत्व को समझा और उन्होंने ये बात महसूस की कि आज तक बिहार बोर्ड के लिए ऐसी कोई किताब नहीं आई थी जो 100% विद्यार्थियों को संतुष्ट करे और 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी दे। ये किताब आपको 100 में 100 नंबर लाने की गारंटी देता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने 12th की तैयारी और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आज ही ऑर्डर करें इंस्पिरेशन 2.0। ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए है और आप इस किताब को खरीद सकते हैं। ये बुक इंडियन पोस्ट के माध्यम से बिना किसी डिलीवरी चार्ज के आपके दरवाजे तक पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए आप हमें 9955490800 पर व्हाट्सएप करें, हम तमाम तरह की जानकारियां आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे। जिसके बाद जिस तरीके से अन्य बच्चों ने और शिक्षकों ने इस किताब को मंगाया है, आप भी इस किताब का आनंद उठा सकते हैं। और यकीन मानिए, ये किताब सच में 100 में से 100 नंबर लेने के लिए काफी है। दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।